There are some other concept of macroeconomics. Actually, first of all, what is macroeconomics? Economics has two main branches. The first one is microeconomics, and the second one is macroeconomics. Macroeconomics can be further classified into different branches. For example, public finance, international trade, econometrics, etc. Okay. So, what is macroeconomics? The term macro has been derived from the Greek word makros, M-A-K-R-O-S, makros, which means large or aggregate. Therefore, macroeconomics is that branch of economics which studies aggregate variables like aggregate demand, aggregate supply, national income, etc. Okay. तो मैक्रोइकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है. इकोनॉमिक्स को दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से बना है, मैक्रोस, एम ए के आर ओ एस, मैक्रोस. द वर्ड मैक्रो वॉज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स एग्रीगेट और एज अ होल. मैक्रो मीन्स एग्रीगेट. सो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी अबाउट एग्रीगेट वेरिएबल्स लाइक नेशनल इनकम, इट इज द इनकम ऑफ द होल कंट्री, लाइक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, पर कैपिटा इनकम. These are the aggregate variables. Okay. Macroeconomics deals with unemployment, poverty, inflation, income and output, and full employment. It means macroeconomic deals with how unemployment and how poverty can be removed. It also deals with income and output determination, how income and output can be determined, how full employment can be achieved, how inflation can be controlled. Okay, how unemployment and poverty can be removed. We will discuss all these things in macroeconomics. Okay. तो macro जो word है वो एक Greek word से बना है, macros, which means aggregate or as a whole. Microeconomics में हम सिंगल वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं. माइक्रो, द वर्ड माइक्रो हैज बीन ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स सिंगल. सो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी अबाउट सिंगल वेरिएबल लाइक इंडिविजुअल डिमांड, लाइक इंडिविजुअल सप्लाई. ओके, द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी ओनली सिंगल वेरिएबल्स, बट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी अबाउट एग्रीगेट वेरिएबल्स. अगर हम क्लास के में कोई एक स्टूडेंट है उसके बारे में कहें कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत इसमें बहुत पंचुअल है, तो अगर एक स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट होगा. ऐसे होल पूरे क्लास के बारे में बात कर रहे हैं कि पूरी क्लास के अंदर जो 45 बच्चे हैं
12F या 12G या 12D या 12E कोई भी पर्टिकुलर क्लास के बारे में बात करें, क्योंकि एक क्लास के अंदर सारे बच्चे बहुत पंचुअल है, हार्ड वर्किंग है, तो वो ऐसे हो पूरी क्लास के बारे में बात कर रहे हैं तो वो मैक्रो है, और किसी एक स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या है, माइक्रो है। किसी एक फैक्ट्री ने कितना प्रोड्यूस किया, किसी एक फैक्ट्री को कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। पूरी इंडस्ट्री को कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, पूरी इंडस्ट्री का कितना टर्नओवर है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। एक इंसान की इनकम कितनी है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। और पूरी कंट्री की इनकम यानी नेशनल इनकम कितनी है, अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कैलकुलेट की जाती है। ओके, सो द वर्ल्ड मैक्रो वॉज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स एग्रीगेट और एज अ होल। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट एग्रीगेट वेरिएबल्स लाइक एग्रीगेट डिमांड, लाइक एग्रीगेट सप्लाई, लाइक नेशनल इनकम एक्सेट्रा। ओके, मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो डील्स विद हाउ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी कैन बी रिमूव्ड, हाउ इनकम एंड आउटपुट कैन बी डिटरमाइंड, हाउ फुल एम्प्लॉयमेंट कैन बी अचीव्ड, ओके, हाउ इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल एक्सेट्रा। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन रिफर्स टू द एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल ऑफ एन इकोनॉमी। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ, मैं ये एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन रिफर्स टू द एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल ऑफ एन इकोनॉमी। इसका मतलब ये है कि आपके पास सपोज 5 मशीन थी, जो 5 मशीन थी आपके पास 1 जनवरी 2005 में, ये जो 5 मशीन थी ये क्या है, आपका स्टॉक ऑफ कैपिटल। इसे हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल या एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल कितना है, 5 मशीन 1 जनवरी 2005 में। ये 31 दिसंबर 2005 में 8 मशीन हो गई, तो एक साल के अंदर मशीन 5 से 8 कितनी इंक्रीज हुई, 3 इंक्रीज हुई। जो 3 इंक्रीज हुई ये क्या कहलाएगा, एडिशन टू द स्टॉक टू द कैपिटल स्टॉक। ये जो 3 मशीन है वो क्या कहलाएगा आपका, एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक, कैपिटल स्टॉक। 3 मशीन जो इंक्रीज हुई है, सपोज एक मशीन 5 लाख रुपीस की आती है, तो 3 मशीन अगर आप परचेस करेंगे तो वो 15 लाख की परचेस करेंगे। ये 15 लाख रुपए आपके खर्च हुए 3 मशीन परचेस करने में, 15 लाख क्या कहलाएगा आपका, इन्वेस्टमेंट। अब देखिए डेफिनेशन देखें और ये एग्जांपल देखते हैं।
इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी. एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक कितना हुआ? तीन मशीन, फाइव मशीन थी, फाइव मशीन से एट मशीन हो गई, तीन मशीन आपकी इंक्रीज हुई, जितनी तीन मशीन इंक्रीज हुई और वो एक मशीन 5 लाख की आती है और तीन मशीन आपने परचेस की तो आपके 15 लाख रुपए खर्च हुए. तो तीन मशीन परचेस करने में जो 15 लाख रुपए खर्च हुए वो क्या कहलाएगा आपका? इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट कैन ऑल्सो डिफाइन एज इन्वेस्टमेंट मीन्स द एक्सपेंडिचर विच इज अकर ऑन परचेजिंग मशीन ऑन परचेजिंग बिल्डिंग. ओके, इट इज द नेट इंक्रीज इन एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल. नेट इंक्रीज इन एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल, इसका मतलब क्या हुआ? एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल कितना है? 5 मशीन. ये एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल है. मौजूदा कैपिटल का स्टॉक कितना है? 5 लाख. इन्वेस्टमेंट इज द नेट इंक्रीज इन एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल. तो एग्जिस्टिंग स्टॉक कितना है कैपिटल का? 5 मशीन. कितना नेट इंक्रीज हुआ? 5 मशीन से 8 मशीन हो गए. कितना नेट इंक्रीज हुआ? 3. 3 जो नेट इंक्रीज हुआ वो क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट. अब ये खुद ब खुद तो इंक्रीज नहीं हुई, मशीन आपने परचेस की होंगी, तो 3 मशीन परचेस करने में जो 15 लाख रुपए खर्च हुए वो क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट इज द नेट इंक्रीज इन द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल. आपके पास कैपिटल का जो एग्जिस्टिंग स्टॉक था 1 जनवरी में वो 5 मशीन था और वो नेट कितना इंक्रीज हुआ? 5 से 8, 3 इंक्रीज हुआ. 3 मशीन जो इंक्रीज हुई वो क्या कहलाएंगी आपकी? इन्वेस्टमेंट. इट इज द नेट इंक्रीज इन एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल. तो इन्वेस्टमेंट इज दैट एक्सपेंडिचर विच इज अकर ऑन परचेसिंग मशीन ऑन परचेसिंग टेक्नोलॉजी on purchasing tools etc. In simple words, investment is that expenditure which is occur in the production of goods in providing services from which we can earn income in future. कोई भी फैक्ट्री establish करने में, कोई भी कंपनी establish करने में, कोई भी goods produce करने में जितना पैसा खर्च हुआ उसे क्या कहेंगे? investment. जिससे आपको future में profit या इनकम हो सकती है. तो वी कैन डिफाइन इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट वेज. इन्वेस्टमेंट इज डेट एक्सपेंडिचर विच इज अकर ऑन परचेसिंग मशीन ऑन परचेसिंग टेक्नोलॉजी ऑन परचेसिंग बिल्डिंग एक्सेट्रा. इन अदर वर्ड्स, इन्वेस्टमेंट इज डेट एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्री और कंपनी फ्रॉम विच वी कैन अर्न प्रॉफिट इन फ्यूचर. ओके, इन्वेस्टमेंट इज द नेट इंक्रीज इन एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल. ओके, सो वी कैन डिफाइन इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट वेज. किसी भी फिक्स एसेट, मशीन को परचेस करने में, टेक्नोलॉजी को परचेस करने में, बिल्डिंग को परचेस करने में जितने पैसे खर्च हुए वो भी इन्वेस्टमेंट है. ओके, लेकिन इन्वेस्टमेंट में और कंजम्पशन में डिफरेंस है. कंजम्पशन भी एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट भी एक्सपेंडिचर है, दोनों में डिफरेंस है. कंजम्पशन इज डेट एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड बाय द कंज्यूमर ऑन परचेजिंग कंज्यूमर गुड्स लाइक मोबाइल लाइक टीवी इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज वांट्स एंड नीड. एक कंज्यूमर अपनी नीड फुलफिल करने के लिए, एक कंज्यूमर अपनी वांट सेटिस्फाई करने के लिए जो कंज्यूमर गुड्स परचेस करता है, मोबाइल टीवी बाइक, उस कंज्यूमर गुड्स को परचेस करने में कंज्यूमर के जितने पैसे खर्च हुए वो कंजम्पशन है. और इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट इज डेट एक्सपेंडिचर विच इज अकर बाय द इन्वेस्टर बाय द बिजनेसमैन बाय द प्रोड्यूसर इन द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स. कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने में बिजनेसमैन ने कितने पैसे खर्च किए? लैंड खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, मशीन खरीदी. तो जितने लैंड, बिल्डिंग, मशीन परचेस करने में पैसे खर्च हुए वो इन्वेस्टमेंट है. ओके,
तो एक बिजनेसमैन ने, एक इन्वेस्टर ने, एक प्रोड्यूसर ने कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने में जितने पैसे खर्च किए वो इन्वेस्टमेंट है, ओके। और कंज्यूमर ने कंज्यूमर गुड्स परचेस करने में कितने पैसे खर्च किए वो क्या है? कंजम्पशन है। अब इन्वेस्टमेंट में और कंजम्पशन में फर्क क्या है कि कंजम्पशन कौन करता है? कंज्यूमर। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? इन्वेस्टर या बिजनेसमैन या प्रोड्यूसर। कंजम्पशन में हम कंज्यूमर गुड्स परचेस करते हैं और अपनी वान को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है, नीड को फुलफिल करता है। इन्वेस्टमेंट से हम डायरेक्टली वान सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ओके। इन्वेस्टमेंट जो मेन डिफरेंस है वो सुनिए। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने में जो पैसा खर्च होगा वो इन्वेस्टमेंट है, और कंज्यूमर ने कंज्यूमर गुड्स को जो परचेस किया, परचेस करने में जो पैसा खर्च होगा वो कंजम्पशन है। मोबाइल एक कंज्यूमर परचेस कर रहा है 15,000 का, तो ये 15,000 कंजम्पशन है, लेकिन उस मोबाइल को प्रोड्यूस करने में बिजनेसमैन ने 12,000 रुपये खर्च किए, ये 12,000 रुपये बिजनेसमैन के लिए इन्वेस्टमेंट है, ओके। तो इन्वेस्टमेंट इज डन बाय द बिजनेसमैन एंड कंजम्पशन इज डन बाय द कंज्यूमर। इन्वेस्टमेंट इज डेड एक्सपेंडिचर विच इज अकर इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। कंजम्पशन इज डेड एक्सपेंडिचर विच इज अकर बाय द कंज्यूमर ऑन परचेजिंग द कंज्यूमर गुड्स, ओके। बोथ आर द एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर द एक्सपेंडिचर, ओके। लेकिन कंजम्पशन जो ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसे कंज्यूमर करता है कंज्यूमर गुड्स को परचेस करने में, इन्वेस्टमेंट ऐसा एक्सपेंडिचर है जो बिजनेसमैन करता है कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने में, ओके। सो इन्वेस्टमेंट इज द एक्सपेंडिचर विच इज अकर इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन अदर वर्ड्स, इन्वेस्टमेंट इज डेड एक्सपेंडिचर विच इज अकर ऑन परचेजिंग मशीन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, ओके। देर आर टू टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि डेप्रिसिएशन से पहले का जो कैपिटल का स्टॉक है वो कहलाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ओके। अब इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। फर्स्ट जनवरी 2005 में एक मशीन है, उस मशीन की वैल्यू है 5 लाख, ओके। अभी इसमें डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ। डेप्रिसिएशन मैंने बताया था किसे कहते हैं कि किसी भी फिक्स एसेट को लगातार यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, जितनी वैल्यू कम हो जाती है उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। कोई बाइक आपने परचेज़ की और फिर उसको आपने 2 साल तक यूज़ किया, 2 साल बाद उसकी वैल्यू 20,000 डिक्रीज हो गई, जो 20,000 वैल्यू डिक्रीज हुई उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। फर्स्ट जनवरी 2005 में एक मशीन 5 लाख रुपए की है, ओके। अभी इसमें डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ। तो फर्स्ट जनवरी को आपने एक मशीन परचेज की 5 लाख की, ओके। ये कहलाएगा आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। जब पूरा साल ख़त्म हो गया, 31 दिसंबर आ गया और पूरे साल आपने उस मशीन को यूज़ किया, और यूज़ करने के बाद उस मशीन में की वैल्यू कम हो गई 1 लाख रुपये, डेप्रिसिएशन हुआ 1 लाख, तो 1 लाख जो डेप्रिसिएशन है वो आप माइनस कर दीजिए इसमें से। 5 लाख में से 1 लाख डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो 4 लाख रुपीज़ आ गया। ये कहलाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट,
डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद क्या आता है, नेट इन्वेस्टमेंट। इट मींस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्या आएगा, नेट इन्वेस्टमेंट। ओके, तो डेप्रिसिएशन माइनस करने से पहले जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है वो क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो है वो क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट। यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ओके, दीज आर द सम टॉपिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, थैंक यू।